आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी लिखे सोच समझ कर लिखे, नहीं तो किसी भी वक्त आपकी नौकरी जा सकती है। पर चाहे आप कितने ही चर्चित क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये अन अकेडमी के टीचर करण सागवान का है, जिनका एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। और इनका ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि इनकी नौकरी ही चली गई। इनको अपनी जॉब से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को इनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इनको अपने जॉब से 3 दिन बाद हमेशा के लिए आजादी दे दी गई। पहले आपको ये बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ये वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बेयर एक्ट, केस लॉयड और नोट्स है जो हमने भी बनाए थे। हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी आप वोट दो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में झेलना ना पड़े। ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें सिर्फ नाम बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीजों को। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। ये वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके पीछे अन अकेडमी की तरफ से कारण दिया गया, एक तो इनका वायरल वीडियो और दूसरा ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स की वजह से। अब ये जान लेते हैं कि करण सागवन ने ये क्यों कहा। करण सागवन क्रिमिनल लॉ, क्लियरली ब्रिटिश एरा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में हुए बदलावों से असहमत थे, और इसी बदलाव के कारण इनके द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए गए नोट्स बेकार हो गए थे। कहा जा रहा है कि करण सागवन ने वो सब इन बदलावों पर कहा था, और वही इन्होंने इस वीडियो में किसी नेता या राजनीतिक दल का नाम भी नहीं लिया था। लेकिन फिर भी जमाने में सहूलियत की राजनीति ने इसे नेताओं और पार्टियों से जोड़ वीडियो के भाव बढ़ा दिए। भाव बढ़ाने के बाद लोग इसे मोदी विरोधी एजेंडा से जोड़ने लगे। वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जोड़ दिया गया, जिसके बाद लोग करण के बारे में अन अकेडमी से सवाल पूछने लगे कि क्या आप पढ़ाते हैं या फिर भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं। करण सागवन ने बताया कि उन्हें 17 अगस्त को जॉब से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि वो सही है और इस बारे में 19 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालेंगे और बताएंगे इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी क्या है। वही संस्थान ने कहा कि क्लास व्यक्तिगत विचार साझा करने की जगह नहीं है। फिलहाल करण सागवन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई राजनेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, जिनका कहना है कि एक टीचर को इस तरह से निकाल देना गलत है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।